वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम बनाएंगे मेथी बैंगन की सब्जी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूले। सर्दियों की मौसम में मेथी की भाजी मार्केट में बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आज हम मेथी की भाजी और बैंगन की सब्जी बनाने वाले हैं। तो ये मैंने 400 ग्राम जितनी मेथी की भाजी ली है, इसे बारीक काट के फिर मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो के फिर स्ट्रेनर में ले लिया था, और सब पानी निकल जाए इसलिए मैंने आधे घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दिया था। और दो मैंने बड़ी साइज के इस तरह से लंबे वाले बैंगन लिए हैं। तड़का लगाने के लिए हम तेल लेंगे, तड़के में डालने के लिए हींग लेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे, आधी टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और बैंगन को काट लेंगे। बैंगन पानी में काटने से बैंगन काले नहीं पड़ेंगे और हम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से बारीक टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो बैंगन को मैंने इस तरह से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो अभी हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो मैंने इसमें हींग डाल दी है और पहले हम बैंगन को डाल देंगे। तो जो बैंगन हमने पानी में भिगो के रखे थे वो पानी निकाल के हम डाल देंगे। आपको अगर सब्जी में बैंगन की मात्रा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो, और मेथी की भाजी ज़्यादा पसंद हो तो वो भी ले सकते हो। थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन ढक देंगे जिससे बैंगन में हींग की खुशबू अच्छे से बैठ जाए। गैस की फ्लेम मैंने स्लो ही रखी है। 2 मिनट तक मैंने बैंगन को ऐसे ही छोड़ दिया था ढक के। अभी मैं मिक्स कर लूँगी और अभी मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूँगी और हल्दी पाउडर डाल दूंगी जिससे हल्दी का कलर भी अच्छे से बैठ जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी जिससे बैंगन जल्दी पक जाए। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बैंगन और मेथी की भाजी दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अभी ढक्कन ढक के मैं 2 से 3 मिनट तक बैंगन को पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं बैंगन को मिक्स कर लूंगी। मेथी की भाजी को पकने में ज्यादा देर नहीं लगती है। फिर से मैं ढक्कन ढक के 2 मिनट तक पकाऊंगी। 2 मिनट हो चुके हैं और बैंगन काफी पकने को आए हैं। तो अभी हम इसमें मेथी की भाजी भी डाल देंगे जिससे सभी साथ में अच्छे से पक जाए। मेथी की भाजी मैंने बारीक काटी है। मेथी की भाजी मैंने डाल दी है। नमक हम बाद में डालेंगे। बैंगन के भाग का नमक हमने डाला है लेकिन मेथी की भाजी का नमक हम बाद में डालेंगे। क्योंकि मेथी की भाजी बैठ जाएगी तो कई बार हम पहले नमक डाल देते हैं तो नमक ज्यादा पड़ जाता है। 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। मेथी की भाजी थोड़ी देर में बैठ जाएगी। एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर से हम ढक देंगे और स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। मेथी की भाजी में से पानी छूटने लगा है और ये काफी बैठ चुकी है। तो अभी हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी जो बैंगन थोड़ा कच्चा था वो भी साथ में पक जाएंगे। फिर से मैं ढक्कन ढक के पकाऊंगी। और साथ में हम मसाले भी डाल देंगे, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लहसुन का टेस्ट पसंद हो तो आप लहसुन भी डाल सकते हो, सूखा वाला लहसुन भी डाल सकते हो, और अभी मार्केट में जो फ्रेश वाला लहसुन मिलता है वो भी बारीक काट के डाल सकते हो। फिर से मैं ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सब्जी अभी तैयार होने को ही आई है। 2-3 मिनट तक और मैं पका लूंगी जिससे सब्जी प्रॉपर रेडी हो जाए। तो मैं अभी ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी।
और अगर आप गुड़ या शक्कर डालना चाहते हो तो वो भी अभी डाल सकते हो। तो हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, गैस हम बंद कर लेंगे और इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। आप अगर ड्राई सब्जी बनाना चाहते हो तो गैस की फ्लेम हाई करके पूरा पानी जला सकते हो। तो अभी मैं ड्राई सब्जी बना रही हूँ, तो मैंने पूरा पानी जला दिया है और अभी मैं गैस बंद कर लेती हूँ और इसे सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। तो तैयार है हमारी मेथी की भाजी और बैंगन की सब्जी। ये सब्जी रोटी या पराठे के साथ तो अच्छी लगती है, लेकिन ये बाजरे के रोटले के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप विंटर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।